क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग मतलब कंप्लीट स्किन केयर रूटीन, वो भी 500 रुपीज के रेंज में। आई थिंक ये आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि आई नो यू ऑल आर स्किन केयर एंथुजियास्ट, लेकिन आप सब यही चाहते हो स्किन केयर तो करेंगे लेकिन वो अफोर्डेबल हो, साथ साथ अच्छे से वॉर्म भी करे और हमारे स्किन में सूट भी करे। मीन्स कंप्लीट स्किन केयर रूटीन और वो भी 499 रुपीज के रेंज में। हेल्थी ग्लोइंग ब्राइट स्किन के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। इवन कभी कभी तो कोरियन स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करते हैं जो कि 10 स्टेप्स का होता है, इवन मैंने भी फॉलो किया है, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म में करना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हर रोज की जो बिजी शेड्यूल रहता है उसके अंदर। तो इसीलिए मुझे लगता है क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग रूटीन इज बेटर। और कभी कभी ये भी देखते हैं हम जो बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डिफरेंट स्किन केयर रूटीन होते हैं जो कि हमारी इंडियन स्किन केयर रूटीन नहीं है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद हम देखते हैं कि वो हमारे स्किन पे वो भी नहीं कर रहा है। और वो इसलिए होता है क्योंकि हर एक जगह का जो वेदर है वो डिफरेंट होता है, सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होती है, तो इसीलिए हमारे इंडियन वेदर के हिसाब से हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए जो हमारे स्किन में सूट करे। जैसे कि हम जो इंडियंस है उनकी जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो होती है सन टैन, तो हमें कुछ ऐसा यूज करना चाहिए जो हमारे सन टैन को रिमूव करे, हमारे स्किन को ब्राइटर करे, और कुछ ऐसा यूज करना चाहिए जो कि बहुत ही लाइट वेट हो, बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता हो स्किन में, बिल्कुल भी हेवी फील ना हो। क्योंकि मोस्टली हमारे जो इंडियन स्टेट्स है उनकी वेदर ऐसी होती है जहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी हेवी कुछ भी मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई कर ले तो हमारी स्किन और भी ज्यादा ऑयली हो जाती है, बहुत ही ज्यादा चिपचिपा एंड ग्रीसी फील होता है और बिल्कुल भी वो जो फ्रेश एंड हेल्दी ग्लो है वो नहीं रहता। सो राइट नाउ आपको चेक करना है मिरर पे जाके, या फिर एक मिरर लेके आइए और चेक कीजिए कि आपकी स्किन कंडीशन अभी कैसी है, क्या आपके स्किन में पिगमेंटेशन है, क्या आपके फेस पे कुछ ना कुछ ब्लेमिशेस है, और साथ साथ क्या आपकी स्किन डल दिख रही है, मतलब आपकी स्किन में कोई भी हेल्दी ग्लो नहीं है। तो जो मैं स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। साथ साथ अगर आप कोई ऐसा पर्सन हो जिनको बिल्कुल भी वो स्किन केयर रूटीन पसंद नहीं होता है, जिसे करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी सा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा हेवी फील होता है, इवन स्किन केयर रूटीन को कम्प्लीट करने के बाद और भी ज़्यादा स्वेटिंग होने लगता है, तो डेफिनेटली ये स्किन केयर रूटीन तो कम्प्लीटली आपके लिए है। सो जैसा कि मैंने कहा है ये जो स्किन केयर रूटीन है बहुत ही सिंपल होगी, सिर्फ क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। और इस स्किन केयर रूटीन के लिए मैंने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, जो रेंज सिलेक्ट किया है, वो रेंज है बेला विटा ऑर्गेनिक विटामिन सी ग्लो रेंज। आई हैव डिस्कवर्ड दिस अ मंथ अगो। सो जब मैंने इस रेंज को यूज करना स्टार्ट करा देन आई रियलाइज कि ये बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है एक सिंपल क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग रूटीन के लिए, क्योंकि मेरे इंडियन गर्ल चैनल ट्रिशा फैमिली मेंबर्स जो है वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि ऐसा कोई स्किन केयर रूटीन हो जो बहुत ही अफोर्डेबल हो, साथ साथ स्किन को सूट भी करे, स्किन पे वर्क भी करे और स्किन में अमेजिंग रिजल्ट भी दिखे। सो ये जो रेंज है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे से वर्क क्यों करेगा, क्योंकि इस रेंज की जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज विटामिन सी, उसके साथ साथ इसमें हल्दी, सैफ्रॉन और भी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके स्किन के लिए अमेजिंगली वर्क करेगा। और मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हमारे स्किन के लिए अच्छे से वर्क करता है वो वर्क करता है उनके इंग्रेडिएंट्स के वजह से। जैसे कि इस रेंज की मेन इंग्रेडिएंट है विटामिन सी, और विटामिन सी एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए। जैसे कि ये सन डैमेज को कम करता है, आपकी स्किन में किसी भी टाइप के डार्क स्पॉट्स हो तो उसे लाइटन करता है, रिंकल्स को स्मूदन आउट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, ओवरऑल आपकी स्किन में एक हेल्दी ग्लो आता है, एक यूथफुल ग्लो आता है। तो स्किन को क्लीन करने के लिए हमारे पास है बेला विटा ऑर्गेनिक सी ग्लो फेस वॉश, और ये जो फेस वॉश है आपकी स्किन को डिटैन करता है, ब्राइटन अप करता है, और इसका जो फॉर्मूला है यू कैन सी ये एक जेल बेस्ड फॉर्मूला है, बिल्कुल भी सोपी फॉर्मूला नहीं है। बहुत सारे फेस वॉश को यूज़ करने के बाद हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची सा फील होता है, लेकिन ऐसा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप आउट नहीं करता है, जिसके वजह से आफ्टर यूजिंग दिस फेस वॉश योर स्किन फील्स हैप्पी, हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड। तो ये फेस वॉश आपकी स्किन से इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के साथ साथ ब्लेमिशेस एंड स्कार्स को भी हील करता है, तो इसे यूज करने के बाद आपकी स्किन में एक इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा।
Now let's move on to the face toner. और ये है Bella Vita Organic Sea Glow Face Toner. और ये जो face toner है, इसकी जो ingredients है, that is vitamin C, orange peel, aloe, cucumber and turmeric. And we all know vitamin C जो है हमारी skin को brighten up करता है. इसमें aloe है जो कि बहुत ही soothing and cooling effect देता है हमारी skin को, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और इसमें orange peel भी है, और orange peel एक potent antioxidant होने के साथ साथ ये हमारी skin में एक bleaching agent की तरह भी काम करता है, जिसकी वजह से अगर आपकी skin में pigmentation है तो pigmentation को कम करने के लिए बहुत amazingly work करेगा. और इसकी जो fruity smell है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है. और ये जो फेस टोनर है ये आपके स्किन की इम्प्यूरिटीज को न्यूट्रलाइज करता है, आपके स्किन की जो पीएच लेवल है उसे बैलेंस करता है, साथ साथ ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन में जो एक्सेस ऑयल है उसे ड्राई आउट करता है, लेकिन आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड फील होती है. एंड आई थिंक ये जो टोनर है इसे आप एज अ फेस मिस्ट भी यूज कर सकते हो. मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया और ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है. इसका जो MRP है दैट इज 249 rupees. और मुझे लगता है इस प्राइस में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको मिल रहा है, दैट इज रियली ऑसम. देन फाइनली बारी आती है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करना. और मॉइस्चराइज करने के लिए कुछ ऐसा हम यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ही लाइट वेट हो और हमारे इंडियन वेदर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, जो कि है Bella Vita Organic Sea Glow ऑयल फ्री फेस जेल. और इसमें वाइटामिन सी है, पपाया है, टर्मरिक है एंड एलो है. और ये जो फेस मॉइस्चराइजर है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये जेल बेस्ड है, बिल्कुल भी ऑयली एंड ग्रीसी नहीं बनाता है आपकी स्किन को, जो मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है. क्योंकि मुझे वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किसी भी स्किन केयर रूटीन को करने के बाद और भी ज्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाए और भी ज्यादा हमारी फेस ऑयली दिखना शुरू हो, तो ये बिल्कुल भी वो नहीं करता है. तो जेल बेस्ड है तो बहुत ही लाइट वेट है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड फील होता है. इसमें वाइटामिन सी है जो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, और साथ साथ इसमें पपाया है. एंड वी ऑल नो पपाया जो है डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा स्मूदर फील होती है और ब्राइटर भी दिखना स्टार्ट होता है. और इसमें टर्मरिक है, और टर्मरिक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो ब्लेमिशेस है वो भी कम हो जाएंगे. साथ साथ इसमें एलो है जो कि बहुत ही सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को. साथ साथ एलोवेरा जो है वो बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड रखता है आपकी स्किन को, मॉइस्चराइज भी करता है. Now let's talk about my experience. तो किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट को मैं जब यूज़ करती हूँ, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचती हूँ और कम से कम मैं 1 month या 2 month में एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे कुछ रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा. और इस रेंज को जो है मैंने 1 month बैक से स्टार्ट किया है और अभी तक 25 days आई थिंक हो गया होगा. तो इस टाइम पीरियड में मैंने अपनी स्किन में जो डिफरेंस देखा है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली वो आप सबके साथ शेयर करूँगी. तो सबसे पहले मैं कहूँगी इसने मेरी स्किन को बहुत अच्छे से डिटैन किया है, एटलीस्ट 60-70% डिटैन किया है. बेसिकली कुछ दिन पहले मैं गई थी हॉलीडे पे और बहुत ज़्यादा सन टैन मुझे हो गया था, क्योंकि बीच हॉलीडेज पे वही होता है. और ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से डिटैन किया, जैसे कि मैंने कहा 60-70% तो डिटैन हो गया है मेरी स्किन. और डिटैन होने के साथ साथ मेरी स्किन जो है पहले से ब्राइटर दिख रही है. और सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आया है वो है इंडियन वेदर के लिए ये रेंज अमेजिंग है. मुझे बिल्कुल भी वैसे कुछ प्रोडक्ट्स पसंद नहीं होते जो स्किन में अप्लाई करने के बाद स्किन में और भी ज्यादा ग्रीसी एंड ऑयली वाली जो फीलिंग है वो हो, तो ये जो रेंज है बिल्कुल भी वो नहीं करता है. और साथ साथ ये जो सिंपल से 3 steps स्किन केयर रूटीन है ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि मेरे पास सच में शूट करने के साथ साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं और मेरे लिए ये सिंपल स्किन केयर रूटीन इज जस्ट वाओ. तो अभी अगर आप सोचो कि रेंज तो अच्छा है बट आई वॉन्ट टू ट्राई ओनली 1 product फ्रॉम दिस रेंज, तो आपके साथ मेरी फेवरेट वाली शेयर कर देती हूँ. सो ऐसे तो ये दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कौन सा मैं फेवरेट बोलूँ, बट फिर भी आई थिंक ये जो फेस टोनर है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि इसे एज अ फेस मिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, अपने बैग में रख सकते हो. और इसकी जो फ्रूटी फ्रेग्रेंस है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और इंस्टेंटली स्किन को हाइड्रेट
हाइड्रेट कर देता है, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ऐसे भी ये जो समर एंड मानसून सीजन है, कहीं पर भी आप बाहर जाते हो तो कैरी कर सकते हो, थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए, देन थोड़ा सा वाइप आउट कर लीजिए, आपकी स्किन इंस्टेंटली रिफ्रेश दिखेगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड फील होगी, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इसलिए मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि अगर पूरे रेंज को आप ट्राई नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट इसे ट्राई कीजिए, आपको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा। और सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आप सबके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है। क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग रूटीन की ये जो कॉम्बो है, मतलब थ्री प्रोडक्ट्स को ही आप ले सकते हो 499 रुपीज में बेला वीटा की वेबसाइट से। मैं आप सबके लिए इंडिविजुअली सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस भी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि ये जो फेस वॉश है, इसकी एमआरपी है 249 रुपीज, और फेस टोनर है, इसकी एमआरपी है 249 रुपीज, और ये जो फेस जेल है, इसकी एमआरपी है 399 रुपीज। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इस अफोर्डेबल रेंज को आपको एक ट्राई देना चाहिए, क्योंकि ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ आपकी स्किन के लिए वॉर्म भी करेगा और हमारे इंडियन वेदर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो होपफुली ये जो अफोर्डेबल अंडर ₹499 की जो स्किन केयर रूटीन है, आप सबको पसंद आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर करना, साथ आप कमेंट करके आप बता सकते हो कि आप भी स्किन केयर एंथुजियस्ट हो या नहीं, आप उनमें से क्या ट्राई करने वाले हो। सो मेरे आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा थैंक्स, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो डेफिनेटली मेक श्योर कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।